कवैत का गुस्ताखाना बयान के खिलाफ एहतजाज पर तारकीने वतन को मुलक बदर करने का फैसला। कवैत ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर एहतजाज करने वाले तारकीने वतन को मुलक बदर करने का फैसला कर लिया है। खबरसा इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कवैत की जानब से ये फैसला किया गया है कि तमाम तारकीने वतन जिन्होंने बीजेपी के मुअत्तल तर्जमान नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए गुस्ताखाना तबसरे के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया था, इन्हें मुलक बदर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये फैसला लेने की वजह कुवैत के कवानीन हैं, जिनके मुताबिक किसी भी तारकीने वतन के धरने या मुजाहरों में हिस्सा बनने पर पाबंदी है। कुवैती हुकाम की जानब से जारी करदा हदायत में कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले तमाम तारकीने वतन को कुवैत के कवानीन का एहतराम करना चाहिए और किसी भी किस्म के मुजाहिरों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती हुकाम ने इस सिलसिले में एहतजाज में हिस्सा लेने वाले तारकीने वतन को गिरफ्तार करने और इन्हें इनके ममालिक में डिपोर्ट करने के अमल का आगाज कर दिया है। हुकाम का ये भी कहना है कि मुलक बदर किए जाने वाले तारकीने वतन के कुवैत में दोबारा दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।